हेलो फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी हाउस प्रॉपर्टी सेल करके उसका कैपिटल गेन टैक्स एग्जम्पशन के लिए बॉन्ड के बारे में सोच रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए परफेक्ट और बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54EC में वो कौन कौन से बॉन्ड स्पेसिफाई किए गए हैं जहाँ पे इन्वेस्ट करने से आपको कैपिटल गेन टैक्स एग्जम्पशन मिल सकता है। साथ साथ मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि ये बॉन्ड का टाइम पीरियड यानी मैच्योरिटी पीरियड क्या है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल केयर इकरा ये सारे एजेंसी ये सारे बॉन्ड को कौन से क्लास या कैटेगरी में क्लासिफाई कर रहे हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेके चल रहा हूँ recindia.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट में। ये रूरल इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप देखेंगे आपके लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑप्शन है टैक्स फ्री बॉन्ड और 54EC कैपिटल गेन टैक्स एग्जम्पशन। इस लिंक को क्लिक करने से आपके सामने और कुछ सब लिंक ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, पहला जो सब लिंक है उस पे नोटिफिकेशन के तहत ये बताया जा रहा है कि 2021 यानी करेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए 54EC बॉन्ड को नोटिफाई कर दिया गया है, यानी कि अगर आप चाहे तो अभी आप 2021 के लिए 54EC कैपिटल गेन टैक्स एग्जम्पशन बॉन्ड खरीद सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये बॉन्ड में रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी इस बॉन्ड पे इन्वेस्ट करने पे आपको कितना ब्याज मिलेगा उसके बारे में। देखिए, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया है, नोटिस रिगार्डिंग चेंज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन 54EC बॉन्ड। इस नोटिस को क्लिक करने से ये PDF फाइल ओपन हो रहा है, और ये PDF फाइल जो है ये अपलोड हुआ है 23rd of July 2020 को। इसमें बताया गया है कि ये जो कैपिटल गेन टैक्स एग्जम्पशन बॉन्ड है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.75% अप टू 30th July 2020, और अगर आप 1st अगस्त के बाद ये बॉन्ड खरीदते हो तो आपको 5% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेंगे। साथ में मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि ये सारे जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ही आप खरीद सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे और भी बहुत सारी यूजफुल लिंक है। मैं आपको एक लिंक के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा, वो है ट्यूटोरियल वीडियो ऑन हाउ टू फिल 54EC CGTE एप्लीकेशन फॉर्म। CGTE का मतलब कैपिटल गेन टैक्स एग्जम्पशन एप्लीकेशन फॉर्म। तो अगर आप ऑनलाइन मोड में नेट बैंकिंग के थ्रू ये बॉन्ड खरीदना चाहते हो तो आप ज़रूर ये वीडियो एक बार चेक कर लीजिए। साथ साथ पेमेंट करने के बाद आपका 54EC बॉन्ड का स्टेटस क्या है वो भी आप इस लिंक से क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। आप ऑनलाइन ये बॉन्ड खरीदना चाहते हो तो इसके लिए आपको ये फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने होंगे। जैसे ही हम लोग फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऑप्शन आ जाएगा, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, और यहाँ पे डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म का भी ऑप्शन है। और अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप क्वेरी विंडो से क्वेरी कर सकते हैं। और नीचे आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, जैसे कौन कौन सा वो बैंक है जहाँ से आपको ये सारे बॉन्ड अवेलेबल कराए जाते हैं। अब अगला बॉन्ड के बारे में डिस्कशन करते हैं। अगला जो बॉन्ड है वो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI के बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड आपको मिल सकता है, और ये बॉन्ड जो है वो क्रिसिल केयर और इकरा तीनों ने ही AAA रेटिंग किए हैं। ये बॉन्ड का फेस वैल्यू है 10,000 रुपीज़ और इशू प्राइस भी है 10,000 रुपीज़, यानी कि ये बॉन्ड जो है वो कोई प्रीमियम या डिस्काउंट में इशू नहीं हो रहा है, फेस वैल्यू यानी एट पर में इशू हो रहा है। आप देखिए, यहाँ पे यह भी बताया गया है कूपन रेट जो है वो 5.75% पेएबल एनुअली, रिवाइज्ड 5% पेएबल एनुअली विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st of August 2020। तो आप देख पा रहे हैं जो REC बॉन्ड के लिए एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट था वो एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट यहाँ पे भी, यानी अगर आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी का बॉन्ड खरीदते हो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही मिलेंगे। मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ
कि ये जो बॉन्ड होते हैं आरईसी बॉन्ड या एनएचआई बॉन्ड या अगला जो बॉन्ड के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सारे बॉन्ड का 10 ईयर जो है मैच्योरिटी पीरियड है 5 ईयर्स, और ये सारे बॉन्ड का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट आपको हर साल जून के महीने में मिल जाता है। यानी कि अगर आप इनमें से कोई बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो सालाना आपको वहां से एक इंटरेस्ट आते रहेगा, और आफ्टर 5 ईयर्स जब वो मैच्योरिटी पीरियड हो जाएंगे तब आपको प्रिंसिपल अमाउंट ही रिपे किया जाएगा। अगला बॉन्ड की तरफ चलते हैं। अगला बॉन्ड है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का बॉन्ड। देखिए यहाँ पे आप 54EC CDSL और 54EC NSDL बोल के दो ऑप्शन देख रहे हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके पूरा ब्रोशर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको डिटेल में इसके बारे में नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि ये चारों जो बॉन्ड है उसका जो बेसिक फीचर्स है सेम तरीके का ही है। और लास्ट जो बॉन्ड के बारे में मैं बताने वाला हूँ वो है IRFC बॉन्ड, यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का बॉन्ड। ये फ्रेंड्स आई होप कि कैपिटल गेन टैक्स एग्जम्पशन का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड के बारे में आज आपको कई यूजफुल और हेल्पफुल इंफॉर्मेशन मिला है। ऐसे ही यूजफुल वीडियो के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आप और कौन सा टॉपिक में अगला वीडियो देखना चाहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।